Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम जो कि जुड़ा है आम आदमी पार्टी में मचे दंगल से। जी हां, कुमार विश्वास जो हैं अभी भी केजरीवाल के लिए अविश्वास, लगातार विश्वास अपने जुमलों से, अपनी कविताओं से केजरीवाल पर निशाना साधते रहते हैं। आम आदमी पार्टी की कार्यशैली, गतिविधियों, फैसलों को लेकर निशाना साधते रहते हैं। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। उसके बाद दिल्ली में अब उपचुनाव होने की तैयारी है। बीजेपी और कांग्रेस जहां आप पार्टी को जमकर घेर रहे हैं, तो वहीं आप पार्टी बाहरी लोगों के साथ साथ खुद अपनी अंतर्कलह से भी जूझ रही है। और लगातार आम आदमी पार्टी के जो सितारे इस वक्त तो फिलहाल गर्दिश में है, ऐसा कहूं तो मैं बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त चौतरफा संकटों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उनके 20 सदस्यों की, जो 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है, वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उन सीटों पर अगर उपचुनाव होंगे, उपचुनाव के लेकर ये खबरें सामने आई हैं कि मार्च के बाद दिल्ली में उपचुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या केजरीवाल उन सीटों पर फिर से अपना झंडा बुलंद कर पाएंगे, झंडा जो लहरा पाएंगे, क्या वो जनता का विश्वास जो है उसको जीत पाएंगे या फिर यहाँ पर बाजी मार ले जाएगी कांग्रेस। अगर बीजेपी की बात करूँ तो कल नरेला में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया है जो बीजेपी विधायक है रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में उपचुनाव होंगे तो उनकी सरकार, उपचुनाव सारी जीते, उनकी ही पार्टी जीतेगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 20 सीटों उनकी ही पार्टी जीतेगी और आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस को भी एक सीट नहीं मिलेगी। हालांकि विरोधी दल है, बीजेपी को लीड करते हैं बीजेपी के विधायक है, तो जाहिर सी बात है कि वो आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेंगे और अपनी पार्टी की वाहवाही करेंगे। 20 सीटों पर उपचुनाव में उनको ही विजय मिलेगी, लेकिन मिलेगी या नहीं मिलेगी तो फिलहाल ये तो अब तारीखों का जब ऐलान होगा उसके बाद मैंडेट सामने आएंगे, चुनावी नतीजे, तब मालूम पड़ेगा कि कितना विश्वास दिल्ली की जनता को बीजेपी में है, कितना विश्वास आम आदमी पार्टी में है या कितना विश्वास अब उन्हें कांग्रेस में नजर आ रहा है। लेकिन जो 20 सीटें हैं वो भविष्य तय कर सकती हैं आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का और कांग्रेस का, क्योंकि कुछ सालों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि जो चुनाव हो दिल्ली विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बन जाए और ऐसे में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो तकदीर है इसमें खुलकर सामने आ जाए। चलिए बात करते हैं कुमार विश्वास की। अंतरकलह की बात की है मैंने, तो अंतरकलह को लेकर कुमार विश्वास इस समय कुछ ज्यादा ही खबरों में आ रहे हैं। बीते दिनों वो इटावा पहुंचे थे कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, वहां उनकी तबियत खराब हो गई, नासाज हो गई। उसके बाद कहा गया होटल स्टाफ की तरफ से कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अब बोलने की स्थिति में है या नहीं है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से उनसे जुड़ी खबरें आ रही है वो तो साफ साफ बयां कर रहा है कि वो बयान देने और कटाक्ष करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अभी उन्होंने फिर से बयान दिया है, वो दिखाऊंगी अभी मैं आपको बयान, कि उन्होंने अजगर को लेकर एक बयान दिया है। साथ ही आडवाणी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी जो कि बीजेपी नेता हैं और सांसद भी हैं, उनको लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही शिवपाल सिंह यादव का भी जिक्र किया है। क्या है पूरा मसला इसके बारे में थोड़ी देर में आपको जानकारी दूंगी, लेकिन अभी बताती हूँ, थोड़ा आपको पीछे लेकर जाती हूँ कि आखिर कुमार विश्वास इतने उग्र क्यों हो जाते हैं और वो आखिर इतने बागी तेवर क्यों दिखा रहे हो, पार्टी क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। कल मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि कुमार विश्वास लगातार केजरीवाल पर निशाना साधते हैं, आप पार्टी पर निशाना साधते हैं, लेकिन वो उठकर केजरीवाल का नाम कभी नहीं लेते हैं। हमेशा आप प्रत्यक्ष तौर पर डिप्लोमेट होकर वो निशाना साधते हैं, फैसले लेते हैं, बोल देते हैं और फिर से सीधे साफ लफ्जों में कहते हैं कि हमें कोई सरोकार नहीं है। यानी कि सरोकार मतलब कि उनका ये कहने का मतलब है, कल मीडिया ने जब उनसे पूछा, जब वो इटावा में कवि सम्मेलन में हिस्सा लेना पहुंचे थे, तो उनसे पूछा जो 20 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है वो वैध है अवैध, तो विश्वास ने कहा वैध है या अवैध मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कहने की वजह से ही, इसी तरह के काम करने की वजह से पिछले 2 महीने से मेरी पूछ पार्टी में है ही नहीं, यानी उनको पूछा ही नहीं जा रहा है। उसका साफ अंदेशा उसी वक्त मिल गया था जब 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी के 5 साल हुए थे और उसमें जब रामलीला मैदान में आयोजन किया गया था, तो वहां पर कुमार विश्वास एक साइड नजर आ रहे थे, मतलब 2 धड़ों में आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी। केजरीवाल अलग अलग बातें कर रहे थे। विश्वास ने वहां पर बोला कि पिछले 6-7 महीनों से मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, अब मुझे बोलने का मौका दिया गया है। यानी कि लगातार जो उनके बागी तेवर थे सीज फायर उल्लंघन को लेकर और भी कई मुद्दे थे, GST और नोटबंदी को लेकर, जहां आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बीजेपी की खिलाफत कर रही थी, तो वहीं कुमार विश्वास सपोर्टिंग तौर पर नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये केजरीवाल को अखर गया और उन्होंने फिर कहा कि विश्वास अब उनके लिए अविश्वास हो
हो गए हैं, यानी कि उनको अविश्वास नहीं ला, और यही वजह रही कि राज्यसभा में उनको राज्यसभा भेजने के लिए उनको टिकट नहीं दिया गया। और अब संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता, ये तीन ऐसे नाम हैं जो अब राज्यसभा जाएंगे। इस पर काफ़ी बवाल मचा था बीते दिनों नामांकन प्रक्रिया से पहले, और ऐसे में विश्वास ने खुलकर सामने कहा था कि आपने मुझे शहीद कर दिया है, लेकिन मेरे शव से छेड़छाड़ मत करना, यानी कि कुमार विश्वास लगातार उसके बाद और उग्र हो गए हैं। ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। फिर उनका एक बयान सामने आया जब उनसे मीडिया ने पूछा कि आप पार्टी में रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता है, मैं पार्टी क्यों छोड़ूंगा, और पार्टी में रहकर ही मैं अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ूंगा और अपनी चीज़ों को बोलता रहूंगा। मैं पार्टी में जो चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें चल रही हैं, मैं उस धारणा को ख़त्म करूंगा। और अभी उन्होंने जब बीते साल उन्होंने एक बयान दिया था साल के अंत में कि आम आदमी पार्टी को वायरस खा गई है और आप पार्टी से बनाएंगे, ऐसा कुछ कहा था। हालांकि आप पार्टी टू का मतलब ये था कि वो उसमें थोड़ा अमेंडमेंट करेंगे, थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी जो कार्यप्रणाली है, जिसमें दीमक की तरह कुछ लोग खा रहे हैं, उस दीमक को निकालेंगे वहाँ पर और उसको फिर से एक साफ सुथरी पार्टी बनाकर सामने लेकर आएंगे। ये मतलब था उनका आप पार्टी विजन टू, ऐसा कुछ नाम सामने आया था, कुमार विश्वास ने कहा था। उसके बाद ये कहा गया कि कुमार विश्वास मुखालपत कर रहे हैं पार्टी की, अपनी ही अलग साइडलाइन लेकर चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और केजरीवाल से उनका कोई संपर्क नहीं है। जबकि कुमार विश्वास ये कहते हैं मैं केजरीवाल से लगातार संपर्क में रहता हूँ, लेकिन केजरीवाल उनसे संपर्क नहीं करते हैं। हालांकि केजरीवाल ये वही केजरीवाल हैं जो कुमार विश्वास को ट्वीट के माध्यम से कहते थे ये मेरा छोटा भाई है। अब भाई छोटा भाई बड़ा भाई कब दोनों में मतभेद पैदा होगा ये पता भी नहीं चला, और अब साफ साफ मीडिया में नजर आता है और साफ साफ एक्सप्रेशन बयां करते हैं कुमार विश्वास से कि कुछ भी दोनों के बीच सही नहीं चल रहा है। और राज्यसभा टिकट जिसको दिया गया है कुमार विश्वास का, उसको लेकर तो अब दोनों के बीच के मतभेद अनबन जग जाहिर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल दम भरते हैं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए, वो खुद क्यों नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली की सियासत में ही उलझ कर रह गए हैं। जबकि वो व्यापक पार्टी की बात करते हैं, पार्टी विस्तार की बात करते हैं, कर्नाटक में 224 सीटें हैं, उस पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, तो राजस्थान में रुक क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, अगर 3 सीटों पर चाहे तो वो वहाँ पर अपनी एक जमीन तराश सकती है, अपनी जमीन बना सकती है, लेकिन वहाँ पर तो बिल्कुल नदारद नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। आखिर क्यों, आखिर केजरीवाल का पूरा फोकस दिल्ली में क्यों सिमट कर रह गया है, अगर वहाँ के प्रभारी है कुमार विश्वास तो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे केजरीवाल। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साफ साफ दर्शा रही हैं कि कुमार विश्वास और केजरीवाल के बीच में कुछ भी सही नहीं है। फिलहाल अब बात करते हैं कुमार विश्वास के बयान की, जो उन्होंने बयान दिया है, और बयान को लेकर अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में फिर से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में जबरदस्त विस्फोट हो सकता है। इस बार केजरीवाल का जो पेशेंस लेवल है वो जवाब दे सकता है, और विश्वास के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। विश्वास इसीलिए शांत बैठे हो कि मैं पार्टी से नहीं निकलूंगा, अगर आप चाहते हो तो आप पार्टी से निकाल कर दिखाओ। हो सकता है इस रणनीति, इस मानसिकता के तहत काम कर रहे हो, सोच के तहत काम कर रहे हो कुमार विश्वास, इसे लगातार वो बोले जा रहे हैं पार्टी के खिलाफ, इशारों में केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं। केजरीवाल इतने भी वो नहीं है कि समझ नहीं पाते होंगे, हर चीज़ को समझते होंगे, हालांकि वो प्रतिक्रिया कम देते हैं, लेकिन हर इंसान का एक धैर्य होता है, और शायद अब उनका धैर्य की जो सीमा है वो जवाब दे जाए। मैं आपको खबर दिखाऊंगी कि आखिर उन्होंने अजगर किसको बोला है और आडवाणी से उनका मतलब क्या था। आप देख सकते हैं यहाँ पर विश्वास का आम आदमी पार्टी पतन, पार्टी में आ गए हैं अजगर जैसे लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता खत्म कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। हालांकि इस फैसले के बावजूद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के अंदर घमासान जारी है। इसी बीच कुमार विश्वास ने आपके नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी में अजगर जैसे लोग आ चुके हैं, और राष्ट्रपति के फैसले पर टिप्पणी से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। देखिए, जो मैंने आपको बताया उस खबर में भी लिखा हुआ है कि जब उनसे पूछा गया कि सदस्यता जो रद्द की गई है वो वैध है या अवैध, तो उन्होंने कहा एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे अफसोस बहुत है, लेकिन वो अवैध है या वैध मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीने पहले से ही पार्टी ने मुझसे दूरी बना ली थी। और वहीं राष्ट्रपति के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए विश्वास ने कहा, यह हमारा संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि राष्ट्रपति भवन पर टीका टिप्पणी ना की जाए, इससे भारतीय अस्मिता पर सवाल उठता रहता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर यह भी लिखा है कि आम आदमी पार्टी से टिकट ना मिलने पर विश्वास ने कहा कि कवि कभी हाशिए पर नहीं रहता है, मैंने हमेशा गलत को गलत और सही को सही कहा है। ये कुमार विश्वास ने कहा है, उनकी लफ्ज है, आप सुनिएगा जरा। उन्होंने पार्टी में आज गुप्ता बंधुओं पर तंज कसते हुए कहा कि इस समय पार्टी में अजगर वाले लोग आ गए हैं,
और जो मेरी तरह पार्टी के लिए रैली करेंगे और शायद भीड़ को वोट में परिवर्तित कर 20 की 20 सीटें जिताकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह बंद कर देंगे। यानी कि गुप्ता जो बंधु शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी में, उनको लेकर उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश होना लाजमी भी है कि पार्टी जिसने बनाई आपने उसको टिकट नहीं दिया और दो बाहर से शख्स आए आपने उन्हें टिकट दे दिया। और ये किसी को भी खलेगा क्योंकि पेड़ वही होता है कि वो पेड़ बनाया किसी ने और फल कोई और खा रहा, यानी कि बीज किसी ने लगाया, बीज बो कर पेड़ किसी और ने लगाया, उसके फल कोई और खा रहा। तो जाहिर सी बात है अगर साइकोलॉजिकल लेवल पर कुमार विश्वास की बात करूँ तो उनका कहना बिल्कुल सही है। हालांकि अभी केजरीवाल चुप क्यों रहते हैं ये पता नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं। दूसरी खबर ये है कि ये शिवपाल और मैं अपनी पार्टी के आडवाणी हैं, कुमार विश्वास ने बोला है। कभी सम्मेलन में गए थे इटावा में जो हुआ था, शिवपाल का बर्थडे था अभी, तो उन्होंने कहा है, देखिए किस तरह से उन्होंने बोला वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे लफ्जों पर मरते थे वो आप कहते हैं मत बोलो, ये मशहूर लाइन है कुमार विश्वास ने इटावा में काव्य पाठ के दौरान कही। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास इटावा में शिवपाल सिंह के जन्मदिन पर आयोजित एक कवि सम्मेलन में भाग लेने गए थे और वहीं पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा ना भेजे जाने का मलाल है, उन्हें बहुत दुख है कि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया और कविता में भी उनका ये दर्द झलका। और कवि सम्मेलन में मौजूद सपा नेता व विधायक शिवपाल सिंह को खिताब करते हुए उन्होंने कहा, वो और शिवपाल सिंह यादव अपनी पार्टी के आडवाणी हो गए हैं। यानी कि और ये आप देख सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा है पत्रकारों से साफ साफ कहा है कि उनकी और शिवपाल की जो स्थिति है अपनी पार्टियों में दोनों एक ही तरह के हैं, यानी कि दोनों की स्थिति सेम है और जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा करने में खून पसीना एक कर दिया, नेतृत्व ने उनकी पार्टी किनारा कर लिया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी उन्होंने ये कविता पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोड़ो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खेलो, ये मेरे लहजे की छानी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पर मरते थे वो आप कहते हैं मत बोलो, ये इस तरह से उन्होंने कविताएं उन्होंने वहाँ पर पेश की हैं। हालांकि मैं उस लहजे में नहीं बोल पाई हूँ, ये मेरी थोड़ी खामी कि मैं उनके उन शब्दों को उस तरीके से नहीं पेश कर पाई आपके सामने, लेकिन ओवरऑल जो उनका निष्कर्ष निकला है उन्होंने यहाँ पर भी कवि सम्मेलन में भी उनका दर्द साफ झलका है कि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, उस बात का उन्हें मलाल है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मैंने खून पसीना बहाया उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, अजगर से तुलना की है गुप्ता बंधुओं की जो अब राज्यसभा सदस्य बनेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही आडवाणी और शिवपाल दोनों, मतलब शिवपाल और मैं आडवाणी की तरह हो गए हैं बीजेपी में। आप देख सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जिनका एक समय वर्चस्व हुआ करता था, जो जिन्हें पार्टी को बनाया, आज वही आडवाणी पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में उनकी जब से उनके हाथों में कमाना ही वही आडवाणी बस साइड में खड़े रहते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर कई फंक्शन अगर बात समारोह की बात कर ली जाए, आयोजन की बात कर ली जाए, हर जगह यानी कि यहाँ पर गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुए थे बीते साल, वहाँ आडवाणी को स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल किया गया, लेकिन वहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर आडवाणी शामिल नहीं हुए। उसके अलावा जैसे उनकी बीते अटल बिहारी जी के कार्यकाल में वो उनका बढ़ चढ़ कर साथ दिया करते थे, उनके साथ नजर आते थे, आज भी आडवाणी बिल्कुल साइड हो गए हैं और वही इशारा उन्होंने किया है कुमार विश्वास ने, उन्हें कहा है मैं अपनी पार्टी का आडवाणी हूँ और शिवपाल अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की आडवाणी है। यानी कि बहुत बड़ी बात कह गए कुमार विश्वास और अजगर को लेकर जो बात उन्होंने कही है, लगातार वो कतंज कस रहे हैं, लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल क्यों चुप, सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना होगा जो उन्होंने ये बात बोल दी है अब इसके बाद पार्टी कोई एक्शन लेती है या फिर से खामोश रहती है और कुमार विश्वास इसी तरह बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार पूरा अगर कहा जा रहा है अगर मैं सियासी पंडितों की मानूं तो इस बार हो सकता है कि केजरीवाल कोई ना कोई एक्शन कुमार विश्वास के खिलाफ ले लें और खुद अब विश्वास यही चाह रहे हो कि उनके खिलाफ जब एक्शन हो तो वो खुलकर अब सामने आ जाए। हालांकि खुलकर आ रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा दबदब के आ रहे हैं, तब एकदम चारों खाने वो चित्त कर देंगे और केजरीवाल के सामने अपना हल्ला बोल देंगे। तो दर्शकों आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से एक अहम मुद्दा जो कि जुड़ा होगा आम आदमी पार्टी से मैं लेकर आऊँगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।